भीलवाड़ा में चार दिन पहले कॉलेज छात्रा से रेप की कोशिश की गई। आपको बता दें कि पुलिस को मामले में गिरफ्तार आरोपी के कमरे से फर्जी आधार कार्ड मिला है। सामने आया है कि आरोपी मोबाइल कंपनी का मैनेजर नाम बदलकर रह रहा था। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पर लड़की से दोस्ती कर उसे अपने प्रेम जाल में भी फंसाया था। पाली के बागड़ कॉलेज से संयुक्त महासचिव का चुनाव भी जीत चुका है। आपको बता दें कि आरोपी युवक दो दिन के पुलिस रिमांड पर है, जिसमें कई राज सामने आने की संभावना है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि छात्रा ने सोशल मीडिया पर युवक मनीष सेन से दोस्ती होने की बात बताई थी। युवक के बुलाने पर वह उसके कमरे चली गई और मौके का फायदा उठाकर उसने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ रेप का प्रयास किया। चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग आए और युवक की धुनाई कर दी। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर युवक को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के कमरे के तलाशी में फर्जी कागज और आधार कार्ड मिले हैं। छात्रा ने युवक का नाम मनीष सेन बताया था, मगर युवक के कमरे में तलाशी में पाली के बादशाह झंडा निवासी मोहम्मद शाहिद गौरी के नाम से कागज मिले। फर्जी आधार कार्ड में फोटो शाहिद का और नाम मनीष सेन का लिखा था। वहीं पुलिस को शाहिद के मोबाइल से पीड़ित लड़की के कई फोटो मिले हैं। पुलिस को शक है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए कई लड़कियों को फंसाया है। फिलहाल आरोपी को दो दिन के लिए रिमांड पर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।